राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे गुरुवार के व्रत को लेकर के कि गुरुवार का जो व्रत है वो क्यों किया जाता है, इसके करने का लाभ क्या होता है और कैसे करना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के हम आज बात करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ व्रत अगर हम माने तो गुरुवार का मानते हैं। गुरुवार के व्रत को बहुत माता बहनें करती हैं, अधिक संख्या में माता बहन गुरुवार का व्रत करती हैं। गुरुवार का व्रत बड़े नियम से, संयम से और थोड़ी शुद्धता से किया जाता है। व्रत तो प्रत्येक ही शुद्धता से किया जाता है। व्रत का अर्थ कर्तव्य है और व्रत जो है उसका मतलब है दृढ़ संकल्प। व्रत कोई भूखे रहने को व्रत नहीं कहते, व्रत कहते हैं दृढ़ संकल्प को। किसी चीज का हम संकल्प किया कि हमारा ये काम हो जाए, हम व्रत करेंगे, तो वो संकल्प आपने कर लिया। अब ये व्रत का जो मेन सार है भगवान को मनाने का, किस प्रकार से मनाएं, कैसे मनाएं। तो सबसे पहले देखिए, सुबह जल्दी स्नान आदि करें, सूर्य उदय से पहले करें तो अच्छा है, और नहीं 8 बजे से पहले पहले तो स्नान आदि कर ही लेना चाहिए। 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ये नियम है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हो उस दिन का ही नहीं, हमेशा की बात आप मानिएगा। तो उसके बाद जिस इष्ट का आप व्रत कर रहे हैं उसका पूजन कीजिए, स्नान आदि करके व्रत कीजिए, पूजन कीजिए। गुरुवार का व्रत करते समय आपके मंदिर में जाइए, केले के पेड़ की पूजा कीजिए, वहां पर गुड़ चने की दाल उसका भोग लगाइए, 1 सिक्का वहां रखिए, और पीली हल्दी ले जाकर भी वहां आप स्पर्श करा सकते हैं, सातिया बना सकते हैं, स्वास्तिक जिसको हम बोलते हैं, स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर उन्हें रख करके भगवान विष्णु का ध्यान करके घी की जोत वहां जला दीजिए। और अगर वहां तुलसी का बिरवा है, उसी के आसपास केले के पेड़ के आसपास तुलसी का बिरवा है, तो माता तुलसी का भी आप वहां पूजन कीजिए। उससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी जो मनोकामना है उन्हें अतिशीघ्र पूरा करते हैं। इसी के निमित्त अगर हम देखें, अब गुरुवार का व्रत की ये विधि हुई, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। गुरुवार की व्रत कथा वहीं पर पढ़नी चाहिए, भगवान को स्मरण कराना चाहिए, सुनाना चाहिए कि हम हे प्रभु ये कथा पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप भी हमारे साथ सुने। ऐसा संकल्प लेकर के कथा का मंत्रोच्चारण के द्वारा, गणेश जी के मंत्र के द्वारा, या आप खुद पढ़ती हैं तो किताब में जैसे भी लिखा है उस हिसाब से आप उस कथा को पढ़ सकती हैं। उसके बाद आप पीली वस्तु, जो आपने पीले वस्त्र धारण करना, सबसे पहले तो आप पीले वस्त्र धारण करेंगी तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पीले वस्त्र धारण करने वाले ही बहुत शुभ, क्योंकि पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का व्रत कर रहे हैं, तो पीले वस्त्र धारण कीजिए। केले की जब आप पूजा करते हैं तो केला आपको खाना नहीं है, ये ध्यान रखना, केला नहीं खाना है गुरुवार के दिन, आपको केला नहीं खाना है गुरुवार वाले दिन। पीले भोजन करने हैं, बेसन का हलवा बना लिया, बेसन की रोटी बना ली, या कुछ भी, लेकिन मीसी ना, उसमें नमक ना, उसमें चीनी चाहे कुछ भी ना हो, मीठा कुट्ठा हो लेकिन नमक नमकीन कुछ ना हो, मिर्च ना हो, कुछ भी ना हो, सादा सिंपल हलवा बना लिया आपने, या फिर हलवे के साथ साथ आपने बेसन की रोटी बना ली, या बेसन की आपने किसी भी प्रकार की कोई भी पकवान ऐसा बेसन का बना लिया जिसमें नमक मिर्च नहीं है, मीसा है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु का भोग अवश्य लगाएं। जो भी सामग्री आपने बनाई है उससे भगवान विष्णु का भोग लगाएं और व्रत करें। अब गुरुवार का व्रत करने से आपने जिस कार्य के संकल्प के लिए संकल्प किया है कि मेरा ये कार्य सफल हो, मैं इस व्रत को इसलिए कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो आपका निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास रखना जरूरी है। जब तक आपके विश्वास नहीं होगा, और गुरुवार का व्रत करने से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते जो मैंने आपको बताया। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।